भारी बरसात से धसा रेलवे ट्रैक, डाइवर्ट किए कई ट्रेनों के रूट, इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनें हुई रद्द। धौलपुर जिले में हुई तेज बरसात के बाद रेलवे की पटरियां जमीन में धस गईं। रेल की पटरियों के जमीन में धस जाने की वजह से कई ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट किया गया है। रविवार सुबह करीब 8 बजे जेल फाटक धौलपुर के पास किलोमीटर संख्या 1288/34 पर पानी की वजह से पटरी धस जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान झांसी से दिल्ली की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को ग्वालियर से इटावा होकर डाइवर्ट किया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पटरियों का रिस्टोरेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है, जिसके बाद सुबह 10:55 पर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। बारिश के चलते रेलवे अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। रेलवे इंजीनियर मोहन मीणा ने बताया कि रविवार सुबह करीब 3 मीटर पटरी के जमीन में धंसने की सूचना मिलने के बाद ही युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया गया था, जिसके लिए ट्रैक के नीचे वुडन, स्टोन और मिट्टी को भरवाकर यातायात सुचारू कर दिया है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के चलते रेलवे ट्रैक की निगरानी रखी जा रही है। वहीं ट्रैक के धंसने की वजह से ग्वालियर इंटरसिटी, जबलपुर, दिल्ली सहित कई ट्रेनों को ग्वालियर और झांसी से डाइवर्ट कर इटावा के जरिए रवाना किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जबलपुर, नई दिल्ली और मंगला एक्सप्रेस का रूट ग्वालियर से इटावा होकर डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वर्ण जयंती, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस कन्याकुमारी से हजरत निजामुद्दीन और हीराकुंड एक्सप्रेस को बीना से कोटा और मथुरा से डाइवर्ट कर दिल्ली भेजा गया। पैसेंजर और इंटरसिटी एक्सप्रेस को रद्द किया गया है।